यहाँ पे बटन लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं इवेंट्स में जाके एक्शन लगा देते हैं। अब इसमें लगाते हैं माउस, क्लिक एंटर एग्जिट प्रेस रिलीज। तो मैं इसमें फिलहाल लगा रहा हूँ एंटर्ड का, एंटर्ड पे हम इस पे प्रिंट करवाते हैं कि हेलो प्रिंट हो जाए। अब जब ये रन होगा देखिए, इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। जब जब माउस लेके जाऊंगा हेलो लिखा हुआ आएगा, सही? तो एंटर्ड पे चल रहा है। अब इसी एंटर्ड पे हम प्रिंट नहीं करवाते, हम इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते, माउस एंटर्ड लिख देते। इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाऊंगा माउस एंटर्ड लिखा हुआ है, वापस लेके जाऊंगा फिर से माउस एंटर्ड, लेकिन वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अच्छा, एक कंपोनेंट पे जितने सारे इवेंट लग सकते हैं, लेकिन एक इवेंट एक दफा, माउस इवेंट लगा हुआ है, माउस एंटर्ड लगा हुआ है, माउस एंटर्ड एक ही दफा लगेगा। ये हो सकता है कि एंटर्ड और एग्जिट दोनों लग जाए। अब मैं इस पर माउस एंटर्ड के साथ माउस एग्जिट वाला भी लगा, कि अगर इस पे माउस एंटर हो जाए तो माउस एंटर्ड लिखा हुआ आ जाए, और माउस एग्जिट लिखा हुआ आ जाए एग्जिटेड पे। तो इस पे कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते, या फिर इस पे हम टैक्स ऐड नहीं करते, टैक्स इसका बैक एंड पे हेलो भी दे देते। यहां पे एंटर्ड पे बटन 1.सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, सही है? जितने हमारे पास इतना एनिमेशन लगे होते हैं ना, इसी तरह लगे होते हैं जिस पे होते हैं, जैसे अक्सर आपने हर जगह देखा होगा इस तरह एनिमेशन लगे होते हैं, इनके कलर चेंज हो रहे हैं, इन पे शेड्स आ रहे हैं, एग्जिट पे हट रहे हैं, तो इसी तरह होते हैं। हाँ, ये थोड़े खूबसूरत लगे ना, ये भी दे सकते हैं, देंगे। अभी तो ये बिल्कुल फ्लैट कलर्स हैं, ग्राफिक्स में हम देखेंगे ग्रेडिएंट कलर किस तरह देते हैं। ठीक है, इसी तरह एंटर्ड और एग्जिट पे लेबल पे लगा लेते हैं, कि अगर हमें लेबल पे कुछ काम परफॉर्म करना है, कि मैं इस लेबल के ऊपर इवेंट लगा लेता हूं, माउस एंटर्ड कर, जे लेबल 1.सेट टेक्स्ट, बल्कि वही काउंटर लगा देते हैं, काउंटर इक्वल टू 0, और इस पे क्या करें, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंटर प्लस, काउंटर में एक प्लस करके इस पे सेट कर। जब भी इस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा एक एक प्लस होता रहेगा, राइट? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे एक ऑपरेशन और बताता हूं, फिर आगे
दूसरे पे चलते हैं। क्या करते हैं, ये बटन है, इसका करंट साइज जो है वो तकरीबन यहाँ पे सेम हुआ हुआ है, प्रेफर्ड साइज की प्रॉपर्टी होती है 400 300 नहीं है फ्रेम का ऐसा। तो इसके इवेंट में एंटर्ड पे इसका साइज सेट कर देते हैं 60 and 55 33 कुछ भी कर देते हैं 33 कर देते हैं। और एग्जिट पे 23 साइज फिर से इसका वही हो जाए जो पहले था 55। बटन का साइज चेंज होगा, एक्यूरेट नहीं था वो साइज, जो भी एक्यूरेट है साफ समझ से, ठीक है, जिस तरह वो एक जूम होके आता है यहां से। इसकी प्रॉपर्टी होती है कर्सर के नाम से, शायद बताई थी मैंने पहले, उसमें कर्सर आप चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर जो कर्सर आए, कर्सर के नाम होते हैं अलग अलग, हैंड कर्सर है, मूव कर्सर है, ठीक है। हैंड कर्सर आपका हैंड बना हुआ आ जाता है, मूव में जैसे आपका वो एक मूवमेंट बनी हुई आ जाती है, क्रॉस हेयर वाला आता है, इसके ऊपर कर्सर हैंड वाला लगा, कर्सर भी चेंज कर सकते हैं, सही है। तो माउस के दो इवेंट तो ये हैं हमारे पास। अब आपने लेबल के ऊपर आइकन लगाया था, सबने हो गया, लग गया, कोई इश्यू तो नहीं था उसमें, ये तो किया था हमने नेटबीन्स के जरिए। अगर मैं प्रोग्रामेटिकली करना हूं तो हम इस पर इस तरह करेंगे कि मैं इस बटन की कोडिंग पे लगा देता हूं, भले कि इस बटन पे क्लिक करूं तो यहां पे लेबल लगा हुआ, इस पे आइकन लगा हुआ। तो इसके लिए मेरे पास एक क्लास मौजूद है इमेज आइकन नाम से, स्विंग पैकेज में इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इस तरह बनाते हैं इमेज आइकन, ब्रैकेट में हम इसकी देते हैं उस फाइल का पूरा एड्रेस, पूरा पाथ जहां हमारा इमेज रखा हुआ है। तो मेरा एक इमेज ये रखा हुआ है यहां पर डेस्कटॉप पे, इसका जो लोकेशन है, इसकी पाथ है, ये यहां है, ये होती है लोकेशन, इसके बाद नाम आता है। तो ये तो मैं यहां चाहूं तो यहां से कॉपी कर लूं, डबल क्वेश्चन स्ट्रिंग में यहां लिख दूं, इसने बैकस्लैश दो दफा खुद कर दी हुई जावा में, एक बैकस्लैश एक्सेप्टेड नहीं होता, पढ़ा था हमने। फिर फाइल का नाम देते हैं हम, फाइल का नाम मेरा था ये panda.jpg। ये क्या करेगा, इमेज आइकन बना देगा इस फाइल की मदद से, अगर ये एड्रेस गलत होगा तो एक्सेप्शन दे देगा कि फाइल नॉट फाउंड। लेबल की प्रॉपर्टी है सेट आइकन, इसमें आप ये img पास कर दें जो आपने बनाया है। अब इस बटन क्लिक पे ये सेट हो जाएगा आइकन, साइजिंग वगैरह भी चेंज नहीं कर सकते इसमें हमारी, ये बिल्कुल स्टैटिक तरीका है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आइकन सेट हो गया ओरिजिनल साइज, जो अभी इसका ओरिजिनल साइज, साइजिंग वगैरह भी चेंज नहीं कर सकते, सही। तो अगर आइकन्स वगैरह देने होते हैं तो आप इस तरह देते, वो इसमें एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं आगे, उसमें ये बताऊंगा कि इसमें तो मेरे डेस्कटॉप पर रखा आइकन, ये फाइल किसी और बनेंगे उसके डेस्कटॉप पर तो नहीं होगा ना, तो उसमें किस तरह दिया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि आइकन ले लेते हैं कुछ, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, रखे हैं मेरे पास कुछ शायद, एक ये ले लेता हूं, एक ये ले लेता हूं, PNG आइकन यूजर और ब्लू यूजर के नाम से।
हम इस पे क्या करते हैं कि ये बटन रिमूव कर रहा हूँ मैं, इस लेबल का फिलहाल टैग्स रिमूव कर दूँ। जब कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर में वो कहाँ होता है, उससे पहले हो, कंस्ट्रक्टर में इसका आइकन सेट कर देते हैं, इमेज आइकन, न्यू ऑफ इमेज आइकन, पूरा का पूरा वो जो कॉपी करता हूँ मैं, यूजर डॉट पी एन जी, इसी नाम से यूजर डॉट पी एन जी, ठीक है। आप कॉपी कर लें, याद है तो लिख लें। और जे लेबल वन पे सेट हो जाए आइकन, आइए ये सिर्फ वही लोडिंग पे हो रहा है, प्रोग्राम लोड हो तो ये आइकन सेट हुआ हुआ है, ठीक है। और उसको बेहतर बनाते हैं कुछ, कि इसका कर्सर जो है मैं कर देता हूं हैंड कर्सर, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं हैंड कर्सर। अब इसके ऊपर जो लेबल था मेरा, अगर यहां से गुम हो जाए ना लेबल, ना मिले तो नेविगेटर में आ रहे होते हैं सारे, नेविगेटर में मिल जाएगा ये लेबल। इसके ऊपर इवेंट लगाते हैं हम माउस एंटर्ड का, कि माउस एंटर्ड पे क्या हो कि इमेज आइकन जो आपने बनाया है ऊपर, माउस एंटर पे इसके ऊपर सेट हो जाए इमेज आइकन कौन सा, ये ब्लू यूजर वाला, ब्लू यूजर डॉट, और इसके एग्जिट पे हाँ ये लेबल पे लगा हुआ है, क्योंकि ये रन टाइम पे मैंने लगाया है, अब प्रोग्राम चलेगा तो नजर आएगा ये, अगर मैं नेट मीन्स के जरिए लगा था फिर नजर आता है। एक्सेप्ट पे जो आइकन लगे वो ये लगे यूजर वाला, तो एंटर्ड पे ब्लू यूजर लग गया, एक्सेप्ट पे यूजर लग गया, इस पे सही है। आगे जाके जब इमेज का साइज चेंज करना सीखेंगे तो उसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं एंटर पर, तो ये इस तरह लग गया। हाँ ब्लू आ रहा है, लेकिन जब एग्जिट पे हमें वापस सेट करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करेंगे तो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि हमने सेट कर दिया ब्लू, और ये एग्जिट वाले पे अगर मैं इसको ना करूं सेट तो ये बस ब्लू हो जाएगा, वापस चेंज नहीं होगा अपनी असली हालत में, तो एग्जिट पे मुझे वापस को अपनी पुरानी हालत में लाना है, राइट। अब जो लेबल होता है ना, लेबल पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता, एक्शन परफॉर्म होता है टेक्स्ट फील्ड्स पे, इस पे एक्शन का मेथड नहीं है, इस पे मैं लगा रहा हूं माउस क्लिक का मेथड, कि इस पे क्लिक हो तो ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। इस पे क्लिक होगा, ठीक है, तो इस तरह बनते हैं हमारे कस्टम बटन्स, जो बटन्स हमें मौजूद नहीं होते हैं जावा में, या हम बना नहीं सकते, तो हम ग्राफिक्स के बटन्स बना के मंगवा लें, ठीक है। ऐसे बटन्स मिल भी जाएंगे आपको बने बनाए काफी, और कोई बना के देते हैं ग्राफिक्स, अगर आपके साथ ग्राफिक्स का एक काम कर रहा है तो ऐसे हम अपने खुद के जाती बटन्स बनाते हैं, लोगोस लगाते हैं, बटन्स बनाते हैं इसमें, ठीक है, समझिए कोई डिफिकल्टी, इजी है डिजाइनिंग। देखिए यहाँ पे आप, मैंने कोई फॉर्म बनाया लॉगिन के हिसाब से, मैं लिखूंगा लॉगिन बटन, लॉगिन के कई बटन्स मुझे मिल जाएंगे मुझे अलग अलग डिजाइन, ठीक है। इनके साइज वगैरह सब छोटे हो जाते हैं, सब हमारे मुताबिक हो जाते हैं,
और भी सर्चिंग पे डिपेंड करता है, हर तरह के इसमें मिल जाते हैं, बटन्स की वेबसाइट्स हैं उस पर मिल जाते हैं, हम खुद अपने बना सकते हैं, कोई इमेजेस लगा सकते हैं, पासवर्ड का कोई आइकन है यहाँ से कोई लगा लिया, ठीक, तो इमेजेस कोई भी लग सकता है। तो ये तो हो गई चेंजिंग एंटर्ड और एग्जिट डिलीट। अब देखें इसके ऊपर, बल्कि फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम पे भी इवेंट लग सकते हैं। फ्रेम के ऊपर मैं इवेंट लगा रहा हूं, माउस क्लिक्ड, कि फ्रेम पे माउस क्लिक हो तो मैसेज आ जाए हेलो। अब फ्रेम पे कहीं भी माउस क्लिक होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेबल रिमूव कर दिया, फ्रेम पे कहीं भी माउस क्लिक होता है तो आपके पास ये कोड रन हो जाएगा, वहां लिखा हुआ होगा, कहीं भी माउस क्लिक करूंगा रन हो जाएगा, सही है, किसी भी आइकन पे दे सकते हैं। अब जो आपका ये इवेंट लगा हुआ होता है ना, ये जो भी इवेंट है इसके आगे ये ले रहा होता है एक आर्ग्यूमेंट, यहां इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जब इवेंट फायर होता है तो इंफॉर्मेशन होती है इवेंट के मुतालिक, माउस इवेंट से मुतालिक इंफॉर्मेशन हो सकती है इसमें, कि माउस क्लिक हुआ है, अभी इस पे हमने लगाया माउस क्लिक का इवेंट, क्लिक एक दिखाता हूं, देखा आप ये देखें चल रहा है, नहीं ये कर रहा हूं मैं राइट क्लिक और ये कर रहा हूं मैं क्लिक, दोनों चलते हैं, क्लिक पे ये नहीं पूछता कौन सा क्लिक हुआ, दोनों क्लिक होते हैं, इवन की जो आपकी व्हील क्लिक होता है वो भी इस पे चलेगा, व्हील क्लिक पे भी ये मेथड चलेगा, माउस का व्हील होता है ना मिडल में वो भी क्लिक पे चलेगा। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आपका कौन सा बटन क्लिक हुआ है, कौन सी पोजीशन पे क्लिक हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। वो कैसे मिल सकती है, इस ईवीडी वेरिएबल के अंदर हम लिख सकते हैं ईवीडी डॉट गेट एक्स गेट वाई, गेट एक्स ऑन स्क्रीन गेट वाई ऑन स्क्रीन, इन दोनों में डिफरेंस ये है, पहले गेट एक्स और वाई निकालते हैं कि इसका एक्स और वाई पोजीशन क्या है, प्रिंट कर दे एक्स वाई पोजीशन, इस तरह से प्रिंट करा दे, अब जहां भी मैं क्लिक करूंगा तो एक्स वाई पोजीशन क्लिक कर देगा, यहां इसकी बिल्कुल 1133 और करीब जाऊंगा बल्कि 00 कहीं ना कहीं आ जाएगी, सही है, तो हमें पोजीशन पता चल सकती है कि कहाँ क्लिक हुआ है, भले फ्रेम बड़ा हो जाए कहीं भी हो जाए, कहीं भी क्लिक करेंगे उसकी एक्स वाई पोजीशन बता देगा कहाँ क्लिक हुआ है माउस, ठीक। अगर इस पे मेरे पास एक लेबल लगा हुआ है यहां पे, एक्स वाई पोजीशन है हमारे पास, हम इसे कहते हैं कि लेबल की पोजीशन वो सेट कर दे जहां पे क्लिक हुआ है, सेट लोकेशन ईवीटी डॉट गेट एक्स ईवीटी डॉट गेट वाई, एक्स वाई दो पोजीशन देते हैं ना लोकेशन में, मैंने यहां क्लिक किया, यहां यहां क्लिक किया, थोड़ा नीचे आ रहा है, उसका नीचे का मतलब ये होता है कि ये फ्रेम की ये वाली चीज भी टास्क बार भी काउंट करता होता है, इसलिए ये इसको काउंट करके नीचे दे रहा है, जीरो स्टार्ट होता है यहां से, अब जहां क्लिक करूंगा ये वहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन देनी है, माइनस कर लेते थोड़ा सा कि गेट वाई में माइनस कर दे थोड़ा 30, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कर्सर पे आता है, ठीक। देखें ये
ऊपर वाला मेथड मैं वापस लगाता हूँ और इसके साथ एक मेथड और लगा रहा हूँ, गेट एक्स ऑन स्क्रीन और गेट वाई ऑन स्क्रीन। पहली लाइन में प्रिंट कर एक्स वाला, दूसरी में ऑन स्क्रीन वाले। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पहला आपको बताएगा कि फ्रेम का लोकेशन क्या है। जैसे ये फ्रेम का 00 या 10 जो भी पॉइंट है 1536। स्क्रीन वाला बताएगा कर्सर पूरी स्क्रीन की पोजीशन किस पे क्लिक हुआ। जैसे इसको मैं यहां ले जाता हूं इधर, अभी स्क्रीन की भी देखें 12 पोजीशन की, इसको ले जाता हूं यहां पर, तो ये फ्रेम की 36 लेकिन स्क्रीन की 1047 है। तो डिपेंड करता है मैं कौन सा चाहिए, स्क्रीन का चाहिए या फ्रेम का चाहिए। ठीक है, दोनों काम आ सकते हैं, बहुत ज्यादा गेमिंग में आते हैं, काफी जगह पे काम आता है दोनों का इंडिविजुअल काम। सही, कोई कंफ्यूजन? इजी है मेथड्स। तो ये स्क्रीन की पोजीशंस पिक करने के। अब इसका मेथड है हमारे पास गेट बटन। हाँ ये रहा, ये आपको रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यूज, गेट बटन। ये आपको रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यूज और इसमें आपके पास कुछ रिटर्न ऐसे करता है ये कि आपका कौन सा बटन क्लिक हुआ है उसके हिसाब से कोड्स। जैसे आपके पास में प्रिंट कराते हैं, अब देखें यहां मैं क्लिक कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, राइट क्लिक कर रहा हूं तो 3 आ रहा है और माउस वाले क्लिक पे 2 आएगा, वो व्हील वाले क्लिक पे 2 आएगा, वो मेरे पास है नहीं इसमें भी, 1 2 3। तब डिपेंड करता है कि आप किस पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ क्लिक पे काम हो, राइट क्लिक पे ना हो, तो इस पे हम चाहते हैं राइट क्लिक पे काम हो। मतलब 1 2 3, 1 2 3 में से हाँ उस पे। जैसे ये देखें सेट लोकेशन जो है ना, ये मैं चाहता हूँ सिर्फ राइट क्लिक पे हो, तो मैं दे दूंगा इफ ईवीटी डॉट गेट बटन इक्वल इक्वल 3, कि 3 होगी वैल्यू तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहां मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, ये राइट क्लिक किया मैंने तो आगे बढ़े, ये राइट क्लिक से जा रहा है, क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें किस बटन पे काम करना है हम बता सकते हैं, आ जाएंगे, हाँ उस पर आ जाएंगे, लेकिन उस पर जो आइटम्स होते हैं ना वो हमें एक मेन्यू आपका रहता है, मैंने कहा था पॉपअप मेन्यू, वो हमें लगाना भी सीखना है, तो वो टेक्स्ट फील्ड पे लगाएंगे यार, वो माउस के बाद ही बताऊंगा आपको। सही, कि वो लोकेशन के हिसाब से वहां पे पॉप आउट होता है। सही, बाकी ये जो इवेंट है आप किसी भी उस पर लगा सकते हैं, ये मैंने फॉर्म पे लगाया हुआ है, आप माउस उस पर लेबल पे लगा सकते हैं, बटन पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड पे लगा सकते हैं, किसी भी पे लगा सकते हैं। सही है, तो क्लियर है इवेंट्स ये वाले जो 3 पड़े लास्ट वाला। देखें इसके ऊपर मैंने कहा था सेट लोकेशन एक्स और वाई, माउस क्लिक को सेट लोकेशन करते लेबल, तो ये माउस क्लिक पे लोकेशन सेट कर रहा है, लेकिन माउस क्लिक ये क्लिक पे भी कर रहा है और राइट क्लिक पे भी कर रहा है, दोनों पे। हम चाहते हैं इसको रिजर्व करना कि सिर्फ राइट क्लिक पे करे या क्लिक पे करे, तो इस पे ईवीटी डॉट गेट बटन, गेट बटन आपको देता है एक नंबर, अगर क्लिक हुआ है तो 1, व्हील क्लिक हुआ है तो 2 और राइट क्लिक हुआ तो 3। तो मैं कह देता हूं अगर ये ईवीटी गेट बटन 3 है तो ये मेथड चल, वरना एल्स में कुछ भी ना करे, या एल्स में कुछ भी प्रिंटिंग कर दे, कुछ भी ना कर। तो अब इस पे जहां जहां मैं क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा,
क्योंकि थ्री कोड राइट क्लिक का है, राइट क्लिक करूंगा तब ये मूव करेगा, तब ये कोड परफॉर्म करेगा, सही। तो इसको बटन बेस बनाते हैं, क्लियर, कोई इश्यू पक्का, आगे बढ़े। तो ये थे हमारे, इनको यूज करेंगे और अभी पूरा प्रॉपर करेंगे, दो इवेंट्स और बताऊंगा इसके। ये थे हमारे माउस इवेंट, माउस इवेंट होते हैं ये पांच। इसके बाद हमारे पास इवेंट है माउस मोशन इवेंट। माउस मोशन इवेंट होते हैं दो, माउस मूव्ड और माउस ड्रैग्ड। क्या माउस मूव करने पे चलता है वो, और माउस ड्रैग करने पे चलता है। ड्रैग कहते हैं क्लिक करके माउस मूव कर। तो हम इस पे से फ्रेम के ऊपर ही लगा देते हैं, इवेंट में जाके माउस मोशन ड्रैग और मूव में से कोई भी एक लगा रहा हूं मैं, मूव लगा रहा हूं पहले। अब मूव पे क्या करेंगे कि जे लेबल वन जो है इस पे टेक्स्ट सेट कर दे मेरी करंट लोकेशन, गेट एक्स और ईवीटी डॉट गेट वाई। जब भी माउस मूव हो लेबल पे मेरी पोजीशन आ जाए, जहां जहां माउस मूव हो रहा है पोजीशन बता रहा, ठीक है, मूवमेंट पे चल रहा है। सही, माउस मोशन मूव वाले, या फिर लेबल की पोजीशन वो सेट कर दे जो कर्सर की पोजीशन है, जब जब माउस मूव हो तो लेबल की ही पोजीशन सेट कर देंगे। तो अब क्या होगा इसमें, उसकी खुद की पोजीशन मूवमेंट पे सेट हो रही है। सही है, अब गेट वाई जो है आपका, इसको माइनस थोड़ा सा कर देते हैं ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए, नीचे आ रहा है ज्यादा। सही, यही काम, यही वाली लाइन अगर मैं ड्रैग पे लिखूं, मूव पे नहीं लगा रहे इवेंट, अगर ड्रैग पे लगाते हैं माउस ड्रैग वाले पे, तो माउस ड्रैग होने पे ये मूव होगा। अभी माउस मूव हो रहा है लेकिन अब मैंने क्लिक करके ड्रैग किया है, जहां छोड़ा क्लिक वहां ही आ गया, जहां ड्रैगिंग स्टार्ट की मैंने वहां ही। सही है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का एक ऑप्शन बन गया हमारा। अभी तो स्पेसिफिक उस पर लगा हुआ है, अलग अलग उस पर रख सकते हैं कि जिस पे क्लिक हो वही चीज मूव। फिर उस वाले पे हमें ड्रैग लगाना पड़ा, अभी तो मैंने फॉर्म पे लगाया ना, फिर आप वेरिएबल वन पे ड्रैग लगाएंगे तो वो उसके ऊपर मूव करेगा। सही, तो ये थे आपके मूव और ड्रैग इवेंट। इवेंट तो ये सिंपल है, इनकी हमारे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है किस तरह यूज करें। इसके बाद आपके पास जो इवेंट है माउस के, वो है माउस, ये थे माउस इवेंट, माउस मोशन इवेंट, अब है माउस व्हील इवेंट, जो माउस के व्हील पे चलता है। इसमें सिर्फ एक ही इवेंट है, माउस व्हील मूव्ड। माउस व्हील मूव करे तो इसमें मैं कह देता हूं कि मैंने काउंटर लगाया था, इसी को यूज कर लेते हैं कि काउंटर हो माउस व्हील। हाँ ये भी होता है, अक्सर जगह हो जाता है, ये स्क्रॉलिंग के लिए हो जाता है, गैस लिए हो जाता है, गेमिंग में भी यूज करते हैं हम कुछ फील बढ़ाने के लिए, कुछ वर्ड्स बढ़ाने के लिए। करके दिखाता हूँ आपको एक, कि जब माउस व्हील मूव हो तो जे लेबल वन पे सेट टेक्स्ट कर दे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंटर। ये व्हील की मूवमेंट पे, अब मैं यहां से व्हील मूव कर रहा हूं अपना, तो ये इंक्रीज हो गया।
क्लियर। लेकिन इसमें देखें, मैं व्हील ऊपर लेके जा रहा हूं तब भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे ला रहा हूं तब भी इंक्रीज हो रहा है। हम चाहते हैं नीचे अलग ऑपरेशन हो, ऊपर अलग ऑपरेशन। तो इसका जो मेथड होता है ईवीटी में, ईवीटी अपने आप को हर इवेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है। ईवीटी का इसमें जो मेथड हमारे काम का है वो है रोटेशन था या ये था मैं भी रोटेशन नहीं स्क्रॉल टाइप। स्क्रॉल टाइप हमें रिटर्न करता है वैल्यू स्क्रॉलिंग की। किस तरह करता है ये देखें, ये जो स्क्रॉल टाइप है अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये जीरो देगा, नीचे लेके आ रहा हूं सॉरी इसमें ये वाला मेथड नहीं दूसरा है, स्क्रॉल रोटेशन में अगर मैं इसको अपवर्ड लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ तो ये माइनस में वैल्यू देगा। अब एक क्लिक पे एक, दो पे दो, जितने मैं कर रहा हूं, और नीचे लेके आ रहा हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मेरी तरफ आएगा तो पॉजिटिविटी में, ऊपर जाएगा नेगेटिविटी में। कितनी वैल्यू देगा जितनी बार मैंने माउस वो किया है। ये मेरा सिर्फ एक दफा व्हील हुआ है हल्का सा, और ये मैंने पूरा व्हील डाउन तक किया है। तो ये जितने बार मैं व्हील्स कर रहा हूं डाउन, मतलब जितनी रोटेशन आप व्हील्स की कर रहे हैं डाउन, ये उस हिसाब से चलता रहेगा कि इसको कितनी रोटेशंस मिली है। वो टक टक आवाज आती है ना, मतलब कितने दफा टक हुआ है वो आ रहा है। लेकिन ये देता वैल्यूज है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपकी आपकी तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, हमारी तरफ आ रहा है डाउन। इस पर डिवाइड करना है अगर ऑपरेशन कि भाई अगर ये माउस रोटेशन जो है ये बड़ा हो जीरो से, इसका मतलब मेरी तरफ आ रहा है, तो काउंटर हो जाए माइनस, एल्स काउंटर हो जाए प्लस। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो ये माउस रोटेशन की इवेंट है, क्लियर। तो ये माउस इवेंट्स थे हमारे पास। अब कुछ इवेंट रहते हैं वो कंप्लीट होंगे तो हम फिर उसमें कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बना के देखेंगे जिसमें कोई इंटीग्रेशन हो रही हो सब में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो हमारे पास है।